वीके न्यूज राष्ट्र के नाम। और उस बीच एक और बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेन में एक तरफ तबाही का मंजर है लेकिन मानवता की क्या बनी है, यानी कि यूक्रेन के नागरिक जो है हथियार तो उठा रहे हैं लेकिन मानवता की भी एक मिसाल कायम की है। तबाही के बाद भी मानवता नजर आ रही है। सैनिक की सिगरेट पीने की इच्छा को भी पूरा किया गया, ये एक बड़ी जानकारी। रूसी सेना के अधिकारी को पकड़ा गया था। जाहिर सी बात है कि युद्ध में ऐसा होता ही है। यूक्रेन के सैनिकों ने उनको बंदी बनाया। तबाही के बाद मानवता भी नजर आई, क्योंकि बंदी बनाने वाले सैनिक ने जब सिगरेट मांगी, पीने की इच्छा की, तो उसकी इच्छा को पूरा भी किया है। ये तस्वीर बता रही है इस बात को, इसकी तस्दीक करती है कि यूक्रेन के जो सैनिक हैं या फिर यूक्रेन की जो आम है, वो रूसी सैनिकों को पकड़ने के बाद उनके साथ क्या कर रही है। आप देख सकते हैं कि उसकी जो इच्छा सिगरेट पीने की है उसको भी पूरा किया जा रहा है। इस बात है कि यूक्रेन रशिया का एक साम्राज्य के साथ जुड़ा हुआ है, और ऐसे में जब इस तरीके का майор, откуда родом, блядь? Она снимает, на Дай мне погончик. और इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पर रूसी सैनिक लगातार हमलावर हैं, यूक्रेन पर हमला कर रहे हैं, लेकिन हथियार जो यूक्रेन के लोगों ने उठाए, सैनिकों ने उठाए, यूक्रेन की जनता ने रूसी सेना को लौटाया है निहत्था। निहत्थी जनता के आगे रूसी जो सैनिक हैं वो झुक गए। बढ़ते हुए टैंक को लौटाया गया, ये अहम जानकारी है। रूसी हथियारों से नहीं, यूक्रेन डर रहा है, ये साफ तौर पर समझा जा सकता है। यही वजह है कि जब वहां पर जनता सड़कों पर उतर जाए तो वहां का मंजर क्या होगा, ये समझा देखा जा सकता है। क्योंकि आम नागरिकों को अगर टारगेट किया जाए तो ये रूस के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। और यही एक वजह भी है कि जो रूस के सैनिक हैं टैंकों के साथ वहां पर आए जरूर, लेकिन वहां से ही वापस लौट गए हैं। और निहत्ते वापस लौटते हुए की तस्वीरें जो है वो कैमरे में कैद हो गई। आप साफ तौर पर ये देख सकते हैं कि इस तरीके से जो लोग हैं, आम जो लोग हैं, वो शहर के लोग हैं, निहत्ते जो लोग हैं वो उनका विरोध कर रहे हैं। और विरोध करने का असर ऐसा हुआ कि टैंक के साथ तमाम जो सैनिक हैं वो वापस लौट गए। ये एक अलग तरीके की तस्वीर जो है यूक्रेन रूस के बीच में छिड़ रही जंग को लेकर देखने को मिल रही है। अलग अलग तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, उसमें आप अब गौर करिए, समझिए इस बात को कि किस तरीके की स्थिति वहां बनी होगी कि टैंक के साथ सेना आ रही है, तबाही कर सकती है, लेकिन कितना हौसला इन नागरिकों में है कि वो निहत्ते खड़े हैं। और इसी निहत्ते खड़े होने के बावजूद विरोध का ऐसा असर कि सैनिक को वापस लौटना पड़ा, टैंक को वापस लौटना पड़ा। तो यूक्रेन के शहर की एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जो सैनिक टैंक के साथ वहां पहुंचे और कोई बड़ी तबाही को अंजाम दिया जा सकता था आसानी के साथ, लेकिन विरोध निहत्थे लोग वहां खड़े होकर जब कर रहे थे उन सैनिकों का, तो वो वापस जैसे आए थे उसी रास्ते से वापस हो लिए, ये साफ तौर पर इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।